हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेव एंड लर्न स्टडी में, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम एक कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड के बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी टॉपिक को हम लोग वन बाई वन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसमें हाइड्रोकार्बन में हमने आपको पढ़ाया है, इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें इसकी डिस्कस कर रखी हैं। और अब आगे की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं और इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन वर्ड्स में IUPAC ने पेरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल क्या होता है, सब्सिट्यूएंट क्या होते हैं, साइड चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, एंड लोकेंड क्या होता है। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको आगे की सीरीज जब आप पढ़ोगे वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लास, जब हम बात करेंगे पेरेंट चेन की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे, तो इनको कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, जरा हम लोग यहाँ समझना शुरू करेंगे। उसके लिए पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हर कोई इसका फ़ायदा आसानी से उठा सके। ठीक है क्लास, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, इन सारे सब्सिट्यूएंट को समझने के लिए हमें कुछ बातों को पहले और ध्यान से समझना होगा। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊँ एल्केन के बारे में। तो एल्केन में अगर आप देखो तो एल्कीन क्या होता है, एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन का जनरल फार्मूला हमने पहले ही सैचुरेटेड, पहले वाले वीडियो में जहां पर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा हुआ, वहां पर आसानी से इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ। तो अब आपने क्या करना है, इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ओके क्लास, इसी एल्कीन से आपको क्या मिलेगा, अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो R और H होता है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद दिस एल्केन कन्वर्ट इन एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और इसमें क्या हो जाएगा, आपका R बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन, अगर बात करें एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे तो कार्बन R के लिए आपने एल्किल ग्रुप लिया हुआ, तो इसके लिए अगर आप चाहो एग्जांपल्स में H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लिखोगे, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, H और ये बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड पे क्या आते हैं, कोई सब्सिट्यूएंट मिलने के लिए आते हैं। हाइड्रोजन जब यहाँ से हट गया है तो इसकी जगह पर आपको क्या मिल सकता है, कोई सब्सिट्यूएंट आने के लिए यहाँ, या साइड चेन या ब्रांच चेन यहाँ पर आसानी से बन सकती है। अभी जब मैं आपको आगे और पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या है, CH4 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ, CH3 बॉन्ड दिया हुआ। अब आपको अगर याद आ रहा होगा तो इसमें पहले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इसको बोलते हैं मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, मेथेन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ एल्केन तो मेथेन बना, और यहाँ एल्किल ग्रुप है दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करो अगर, जो तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, CH3 एंड CH3 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से जब आप इसका एक हाइड्रोजन निकालोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया CH2, बट यहाँ बॉन्ड लगेगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलते थे, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते थे, दो टू कार्बन के लिए आप यूज़ करते थे, एथ और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिया है तो नाम सफिक्स यूज़ करते थे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। और इसका एक हाइड्रोजन निकल गया है तो एक नया ग्रुप मिला हुआ, दैट इज़ एल्किल ग्रुप। तो अब एल्किल ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेथेन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन, प्रोपेन से क्या मिलेगा, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपने एल्किल ग्रुप के बारे में जान लिया। एल्किल ग्रुप क्या होता है, जब एल्केन सीरीज से, एल्केन सीरीज इन द सेंस, एल्केन सीरीज की बात की जाए तो एल्केन सीरीज में क्या हो जाएगा, आपका मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर बनती चली जाएंगी। लेकिन जब वहाँ से एक एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते जाओगे और उसकी जगह पे क्या लगता जाएगा, बॉन्ड लगता जाएगा, और इस बॉन्ड पे जुड़ने के लिए कोई ना कोई सब्सटीट्यूएंट आएंगे या साइड चेन आएंगे, क्योंकि कार्बन को आपको बताया गया है कि कार्बन ऑलवेज सेटिस्फाई विद हाउ मेनी बॉन्ड्स, कार्बन ऑलवेज सेटिस्फाई विद 4 बॉन्ड्स। यहाँ पर देखो
इस कार्बन के साथ 1, 2, 3 and 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, बट इट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के इस बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं आया हुआ। इसके साथ कोई सब्सिट्यूएंट लगने के लिए आता है, या साइड चेन लगने के लिए आता है, या ब्रांच चेन लगने के लिए आता है। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ऐसे सीखते चली जानी है। अब मैं कहने जा रहा था कि बात पेरेंट चेन की करते हैं। पेरेंट चेन क्या होता है क्लास, लेट्स सी। इसको पहले आप लिख लो, मैं मिटा दूं इसे। थैंक यू। देख क्लास, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, पेरेंट चेन। तो बात करनी है हमें किसके बारे में, पेरेंट चेन के बारे में। अब ये होता क्या, जरा इसको बताते हैं। जब कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हम बनाते हैं, श्रृंखला दैट मीन सीरीज बनाते हैं, जैसे आपने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का एक लंबा चेन जो आप लिखते हो यहां पर, यह क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। ओके क्लास, क्या कहलाता है, पेरेंट चेन कहलाता है। तो ये कार्बन का आप काउंटिंग जो करते हो, ये पूरा का पूरा यहां से मिलने के लिए आपको हाइड्रोजन आ सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। क्या आ सकता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर इंतजार करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन दिया हुआ, ठीक है। तो ये कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन है। तो इस तरह से काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6। आपको पता है इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेक्सेन, हेक्स दिया हुआ है। सिक्स के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, हेक्स यूज़ करते हो। और बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देर इज सिंगल बॉन्ड, एंड फॉर द सिंगल बॉन्ड यू यूज सफिक्स दैट इज एन, यू विल बी यूज सफिक्स दैट इज एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्स एन हो जाएगा। ओके क्लास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको क्या मिल गया, पेरेंट चेन। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में क्या होता है कि कार्बन की एक लंबी सीरीज ऑप्टेन होती है। जब कार्बन की एक लंबी सीरीज बनती चली जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे मैं कुछ अनदर एग्जांपल लेता हूं। और क्लास, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल में अगर आप देखो, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3 लिया हुआ मैंने, ठीक है। अब इसकी आप चूंकि एल्केन दिया हुआ, अब एल्केन को क्या कर सकते हो, काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हो। आपको पहले वाले फर्स्ट वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आपने क्या करना है, काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 दिया हुआ। अब 7 के लिए आप वर्ड क्या यूज़ करते हो, 7 के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो, हेप्ट यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो क्लास, हेप्ट यूज़ करते हो, वेरी गुड, हेप्ट यूज़ करते हो। एंड देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिया गया है, तो फॉर द सिंगल बॉन्ड यू विल बी यूज एन एज अ सफिक्स। तो अब आपका क्या हो जाएगा, हेप्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा क्लास। नाउ क्लास, यू कैन से दैट दिस इज अ पेरेंट चेन, यानी कि कार्बन की जो एक लंबी सी सीरीज मिलेगी, आप उसे क्या बोलोगे, पेरेंट चेन बोलोगे। ओके क्लास, तो अब आपको समझ में आ गया पेरेंट चेन के बारे में। कोई जरूरी नहीं है कि जो ये पेरेंट चेन है ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए बनेगा, इसके आगे एल्केन के लिए भी बनेगा, एल्कीन के लिए भी बनेगा, एल्काइन के लिए बनेगा, और जितने भी आप सफिक्स पढ़ोगे उसके, जितने भी आप फंक्शन ग्रुप पढ़ोगे सबके लिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सीरीज आपको मिलेगी। यानी कि जो भी कार्बन कार्बन की एक लंबी सी ओपन चेन आपको दिखाई देगी, वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पेरेंट चेन कहलाएंगे। बच्चे काउंटिंग करते समय क्या करते हैं, जब बच्चे काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करते समय उनको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। तो जो पहला चेन आपको, पहली चीज़ आपको समझ में आई, वो क्या समझ में आई, पेरेंट चेन क्या होती है। नाउ क्लास, अनदर पॉइंट जो दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिया हुआ, या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल दिया हुआ। नाउ क्लास, व्हाट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल क्या होता है। इसमें जब आप कार्बन को काउंट कर रहे हो तो काउंटिंग में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग करते समय आपको जो कार्बन है
वह मैक्सिमम में काउंट करना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से सारे के सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताता चला जाऊँगा, और ये सारे के सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपके एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे और आपको इससे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके क्लास, तो आपने इसको लिख लिया होगा, लिखने के बाद मैं आपको बताऊं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसको लॉन्गेस्ट चेन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन और ब्रांच चेन। लेट्स सी क्लास, जब आप बात करते हो कार्बन पेरेंट चेन की बात करोगे, जैसे आपने लिया हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यह दिया हुआ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आप समझ जाओ सब्स्टिट्यूएंट इन द सेंस किसी चीज को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि अगर इन हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन किसी अनदर चीज से, यानी कि इन द सेंस सीएल के साथ, सीएल के साथ, बीआर के साथ, सीएस3 के साथ या आई के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या साइड चेन या ब्रांच चेन बोलेंगे। कहने का मतलब है कि इससे पहले आप देखते थे कि कार्बन के साथ क्या लगे होते थे, हाइड्रोजन लगे होते थे, क्या लगे होते थे, हाइड्रोजन लगे होते थे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा कुछ अलग तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चीज़ें क्या हैं आई विल टेल यू लेटर, ये आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अलावा जो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, दीज थिंग्स इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, इनको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, इनको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। और इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही चीज़ देखते हुए चले जाओगे। और बच्चे एग्ज़ाम में यह गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि उनको जब कार्बन की काउंटिंग करनी होती है तो कहाँ से काउंटिंग करनी है, कैसे करनी है, वे बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं और फाइनली जाकर के एग्ज़ाम में क्या करते हैं, गलत करके चले जाते हैं, जिससे उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में नंबर ना कटें। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। और अगर आप पूरे वीडियोस, पूरे सीरीज़ अगर आप अच्छे से देखते हो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनानी शुरू की है, आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बस अत सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक एक चीज़ अच्छे से देखनी होगी, ठीक है क्लास। तो अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट लिया आपने, तो अब आपको सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूएंट इन द सेंस कि पेरेंट चेन जो दिया हुआ, पेरेंट चेन आपको मैंने डिफाइन ही किया हुआ, क्या होता है, कार्बन की एक लंबी सी जो चेन आपको दिखाई देती है। नाउ क्लास, दिस इज नोन एज पेरेंट चेन, ठीक है। तो आपने देखा कि पेरेंट चेन में क्या होता है, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब उन हाइड्रोजन्स को हटाकर यानी कि सब्स्टिट्यूट करके जब कोई अनदर चीज़ आ जाती है, यानी अब ये चीज़ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको इसके बारे में मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की अगर चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे, यानी कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यानी कि हटाने वाले सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं जरा मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, क्या किए जाते हैं, मैं आपको, पहले आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। जी क्लास, थैंक यू। देखिए क्लास, मैं यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट की बात करता हूं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट की नेम क्या होते हैं जरा इसकी बात करता हूं मैं। जैसे सब्स्टिट्यूएंट में मान लीजिए क्या दिया हुआ, मैंने लिखा था बीआर लिखा था, तो दिस इज नोन एज बीआर रिप्रेजेंट ब्रोमो, सीएल क्लोरो, आई आइडो, सी एस थ्री बॉन्ड,
अभी थोड़ी देर पहले आपने कैसे बना हुआ, मेथेन से बना हुआ। आपको ना समझ में आ रहा हो तो फिर से मैं बता देता हूँ। ये क्या था पहले, ACH4 था, दैट मीन्स एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो, मेथेन था। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन हमने हटाया है और हटाने के बाद क्या बनाया है, जो आपको मिला है वो क्या मिला है, CH3 बॉन्ड मिला है, एक हाइड्रोजन हटा है, तो यानी कि अब आपको क्या हो गया, CH3। और इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, मेथाइल यूज़ होता है। गॉट इट क्लास, मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या लिखा हुआ, CTH5 बॉन्ड लिखा हुआ। जब CTH5 बॉन्ड, आपको पता है टू कार्बन दिए हमें, टू कार्बन दिया हुआ, ठीक है, और टू कार्बन और उसके बाद फाइव हाइड्रोजन दिया हुआ, तो टू कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एथ के साथ अगर यहाँ पर सिक्स हाइड्रोजन होते तो आप इसको क्या लिखते, एथेन लिखते, क्या लिखते, एथेन। लेकिन यहाँ पर सिक्स हाइड्रोजन ना होकर के एक हाइड्रोजन इसका हटा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जब इसका हटा हुआ है तो अब आप एथेन ना लेकर के क्या लिखोगे, आपको इससे पहले मैंने बताया एथिल लिखोगे। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एथिल। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपको एक और बता दें, सेवन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेल। इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके नाम होते हैं क्लास। अगर किसी भी पेरेंट चेन के साथ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके BR लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन को हटाकर यानी कि सब्स्टिट्यूट करके Cl लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, क्लोरो बोलोगे। अगर हाइड्रोजन को सबसे पेरेंट चेन में कार्बन को हटाकर, कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा है, आई लगा है, तो उसे आप आइडो बोलोगे। और अगर आपका क्या लगा है, CH3 लगा है, तो आप उसको मेथिल बोलोगे। और C2H5 लगा है तो एथिल बोलोगे। और C3H7 है तो उसको क्या बोलोगे, प्रोपिल बोलोगे। आप इसे फट से नोट करो, आगे की चीज़ें मैं आपको और समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए नोट में, पहले आप इसे नोट कर चुके होंगे। यस, थैंक यू क्लास। नोट आपको सबसे जो दिमाग में हमेशा रखना है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट एक साथ सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, एक साथ सारे सब्स्टिट्यूएंट इन द सेंस की मैं बात करूं, एक साथ सारे सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि जैसे पेरेंट चेन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अगर आपका क्लोरो आ रहा, आपका ब्रोमो आ रहा, आपका आइडो आ रहा, यह सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं, तो फिर जब इनका नाम लिखना होगा तब आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अभी नाम एच दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है आपको। जैसे अभी आपने क्या करना है, Cl लिखा हुआ, Br लिखा हुआ, I लिखा हुआ, CH3 लिखा हुआ और यहाँ पर C2H5 लिखा हुआ। और बाकी जगह मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। देख लास, अगर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो जब इसका IUPAC नेम लिखना है, अब इससे पहले आपने जो सीखा था, एल्काइन सीखा, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर कार्बन ऑलवेज सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन, ठीक है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमेशा फोर बॉन्ड्स रखता था। बट यहाँ पर अब क्या हो गया, हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं, साइड चेन के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांच चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांच चेन या साइड चेन, साइड चेन इन द सेंस कि कार्बन के ऊपर एक अलग सा क्या हो गया, अलग तरह की चीज़ों का एक चेन बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोला आपने, साइड चेन बोल दिया। क्या बोला आपने, इसे साइड चेन बोला हुआ, या इसी को क्या बोला है, ब्रांच चेन बोला हुआ, ठीक है। तो जब क्लोरो भी आ रहा, ब्रोमो भी आ रहा, आइडो भी आ रहा, मेथिल भी आ रहा, एथिल भी आ रहा, तो इस तरह से जब आप नाम लिखोगे IUPAC नाम, जब इनका नेमिंग करने जाओगे, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स को देखना होगा। और ये रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझते जाइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपको अपने आप अच्छे से दिमाग में लर्न हो जाएंगे। आपको किसी तरह के बहुत भारी भरकम रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वह आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आप सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया
क्लोरो ब्रोमो आयोडो CH3 C2H5 सारे के सारे एज अ सब्सिट्यूएंट यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले ब्रोमो का लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद किसका लिखा जाएगा, क्लोरो का लिखा जाएगा। फिर उसके बाद किसका लिखा जाएगा, आई का लिखा जाएगा। फिर उसके बाद C2H5 का लिखा जाएगा। फिर उसके बाद CH3 का लिखा जाएगा। लेट्स सी क्लास, अब आप समझो इस चीज़ को। पहले क्लोरो, ठीक है। यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं लिखी जाएंगी, यह सारा का सारा जो अरेंजमेंट है यह किस हिसाब से है, यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं, जब आप इसमें देखो तो बी फॉर क्या हो गया, ब्रोमो। तो बी अल्फाबेट में क्या होता है, अल्फाबेट में ब्रोमो क्या होता है, बी जो होता है पहले आता है। तो क्या हो जाएंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमो का। फिर उसके बाद अल्फाबेट में कौन आता है, क्लोरो आता है। तो क्लोरो का नाम सी, क्लोरो आता है, यानी कि क्लोरो दैट मीन सी आता है। तो सी जब आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। फिर उसके बाद कौन आता है आपका, आई नहीं आता है, मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आई की जगह पर क्या रहेगा क्लास, यहाँ पर C2H5 रहेगा। C2H5 क्यों, क्योंकि C2H5 जो होता है आपको पता है C2H5 किससे शुरू होता है, E से शुरू होता है, ठीक है। यह I से शुरू होता है, ठीक है, और यह M से शुरू होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, C2H5, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, उसके बाद CH3। फिर से देख लीजिए, जब भी सब्सिट्यूएंट एक से ज़्यादा आने शुरू होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सब्सिट्यूएंट के नेम जो हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, BR। तो दैट मीन्स सबसे पहले BR लिखेंगे, दैट मीन्स ब्रोमो, ठीक है। अल्फाबेट में सबसे पहले C आता है, तो क्या आता है इसमें, C फॉर क्या है आपका, क्लोरो है, तो क्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ, अल्फाबेट में E आता है, तो क्या हो जाएगा, C2H5 यानी कि एथाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आई है, तो आयोडीन हो जाएगा, आई हो जाएगा, आईडो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, CH3 दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ब्रोमो, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लोरो, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एथाइल, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आइडो, फिर उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, मेथाइल। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। अगर आप ये आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नाम लिखते समय नहीं होनी है। आप इसको एक बार लिख लो, जब मैं अभी इसको समझाऊंगा, जब आपको IPSC कराऊंगा, तो मैं बार बार आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है क्लास। आप इसे नोट करो, ठीक है, थैंक यू। मैं इसे मिटाता हूँ। तो आपने क्या डिस्कस कर लिया, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन या सारी चीज़ डिस्कस किया। थोड़ा लॉन्गेस्ट चेन के बारे में रुकेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। उसके बाद लोकेंट की बात करते हैं। लोकेंट क्या है क्लास, व्हाट इज लोकेंट, द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ साइड चेन इज कॉल्ड लोकेंट, पोजीशन ऑफ साइड चेन। नाउ क्लास, साइड चेन पे फोकस करिए आप। व्हाट इज साइड चेन, आपको ऊपर मैंने पहले बताया था साइड चेन के बारे में। साइड चेन क्या होते हैं, साइड चेन इन द सेंस किसी भी पेरेंट चेन में आपको समझा चुका हूँ, जब कार्बन की एक लंबी सी चेन बनेगी, दैट इज आप देखो इधर, ये चीज। अब आप देखो यहां पर कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके BR आया। कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन था, बैलेंस नहीं है, आप देखो मैंने यहां पर कम लिखा हुआ 1, 2, 3, तो यहां पर आपको एक हाइड्रोजन दे देना होगा। कार्बन के साथ क्या आया, CH3 आया, Cl। तो ये जो सारे के सारे जो आपके क्या आए हैं, BR, Cl, CH3 आए हुए हैं, दीज आर नोन एज साइड चेन,
साइड चेन ही सब्सिट्यूएंट बोल दीजिए आप पहले, सब्सिट्यूएंट और साइड चेन, आप इसे क्या बोल सकते हो, सब्सिट्यूएंट बोल सकते हो या साइड चेन। साइड चेन इन द सेंस कि कार्बन के साथ साइड में लगे हुए जो चीज़ें हैं यानी कि जो ग्रुप्स हैं आप उनको क्या बोलते हो, साइड चेन बोलते हो या सब्सिट्यूएंट बोलते हो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ साइड चेन इज कॉल्ड द लोकेंट। अब मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, द नंबर पे फोकस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या है क्लास। ठीक है, तो आपको मैं समझाऊँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते जाइए, एक एक चीज़ लिखते जाइए, लास्ट मोमेंट तक आपको एक ही चीज़ अच्छे से सुनने आ जाएगी क्लास। थैंक यू। अब मैं नंबर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, छोटा सा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। BR मैंने कर दिया है, ये मैंने किया हो। ठीक है, अब देखो, आप सबसे पहले इसको देखो, ये क्या दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, और अब इसे हाइड्रोकार्बन ना बोल करके, ये हाइड्रोकार्बन तो है ही है लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी कुछ ग्रुप्स आने शुरू हुए हैं, दैट इज सब्सिट्यूएंट। अब अलग से कुछ चीज़ें और आनी शुरू हो गई हैं। तो इससे पहले जब आप एल्केन सीरीज की बात करते थे, जैसे इसी कंपाउंड को मैं लिखूं, तो अगर मैं चाहूं तो H कार्बन थोड़ा पेशेंस रखिए, एक ही चीज़ आपको समझ में आएगा, ये दिया हुआ। जब काउंटिंग की बात होती थी, आप देखो इसमें यह कंपाउंड जो है यह सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, तो जब आप काउंटिंग करते थे 1, 2, 3, 4 या आप 1, 2, 3, 4 जब आप काउंटिंग करते थे, चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, दोनों काउंटिंग क्या मानी जाती थी, सही मानी जाती थी। लेकिन जब आपने एल्कीन सीरीज पढ़ा, तो एल्कीन सीरीज में आपने पढ़ा कि काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। जब आपने एल्काइन सीरीज पढ़ा, तब आपने ये समझा कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी। अब जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तब क्या होता है, जरा आपको समझना है। इसी कंपाउंड को आपने दोनों तरफ से काउंट किया एल्केन सीरीज में, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, मुद्दा हमारा ये कंपाउंड है। तो अब आपको क्या करना है, काउंटिंग जैसे आप करते हो, काउंटिंग करते हो 1, 2, 3 एंड 4 काउंटिंग किया आपने, इधर से किया 1, 2, 3 एंड 4 दोनों तरफ से किया आपने काउंटिंग। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। जब आपने इधर से काउंटिंग किया हुआ, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, तो अब क्या करना आपको, जब भी एल्केन सीरीज में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो एल्केन सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो आपकी काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो काउंटिंग हम हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, पास में पड़ेंगे। जैसे आपने देखो यहाँ पर आपने काउंटिंग किया है 1, 2 तो 2 वाले पे ही आपको क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया है। जब 2 वाले पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल गया है, तो क्या हो गया, 2, 3 एंड 4 तो जहाँ से पास में पड़ा वहाँ से काउंटिंग आपकी सही मानी जाएगी। जैसे ऊपर वाले के साइड से देखो तो 1, 2 एंड 3 तो आपको तीसरे पे जाकर के मिला हुआ। ठीक है, तो इधर की काउंटिंग क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जब भी किसी एल्केन सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो काउंटिंग हमेशा वहां से राइट होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा। ओके क्लास, अब इसका नाम लिख देते हैं। नाम लिखने में क्या हो गया, जब आप इसका नाम लिखोगे, तो नाम लिखते समय सबसे पहले क्या होता है दिमाग में रखिएगा,
जब आप किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नाम नेम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले, इससे पहले जब आप लिखते थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन होते थे, काउंट करके लिख देते थे, बट अभी सब्सिट्यूएंट भी आने शुरू हो गए हैं। जब सब्सिट्यूएंट आने शुरू हो गए हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्सिट्यूएंट का नाम लिखोगे। अब सब्सिट्यूएंट में क्या आया है क्लास, इससे पहले आपने डिस्कस किया था, यह सब्सिट्यूएंट में क्या आया, बी आर आया है, एंड बी आर दैट मीन्स क्या हो गया आपका, बी आर दैट मीन्स आपका हो गया ब्रोमो। तो आपने क्या लिखा, ब्रोमो लिखा, क्या लिखा आपने, आपने लिखा ब्रोमो। नाउ क्लास, जब ब्रोमो आपने लिखा हुआ है तो आप देखो ब्रोमो की पोजीशन क्या है। जब ब्रोमो की पोजीशन की बात करेंगे तो ब्रोमो की जो पोजीशन है वो क्या है, टू है। कौन से नंबर पे है, टू नंबर पे है। तो ब्रोमो की पोजीशन किस नंबर पे है, टू नंबर पे है। तो यानी कि ब्रोमो की पोजीशन क्या हो गई, टू, यानी कि टू ब्रोमो। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं क्लास, फोर दिए हैं। और फोर के लिए आपको बताया गया है पीछे की वीडियो में, सारे वीडियोज में मैंने लगातार आपको बताया है कि वन कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, वन कार्बन के लिए मेथ यूज़ होता है, टू कार्बन के लिए एथ यूज़ होता है, थ्री कार्बन के लिए प्रोप यूज़ होता है, फोर कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ होता है, फाइव कार्बन के लिए पेंट यूज़ होता है, सिक्स कार्बन के लिए हेक्स यूज़ होता है, सेवन कार्बन के लिए हेप्ट यूज़ होता है, एट कार्बन के लिए ऑक्ट यूज़ होता है, नाइन कार्बन के लिए नन यूज़ होता है, एंड टेन कार्बन के लिए डेक यूज़ होता है। और इसके आगे भी हैं बहुत सारी चीज़ें जिसको अपने वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ। अगर आपने ये चीज़ें नहीं जानते हो तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो को अच्छे से देखो, वहाँ पर मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको। कार्बन की काउंटिंग करने में अगर वो वीडियो देखते हो तो कार्बन की काउंटिंग करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके क्लास, तो अब आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, ब्यूट दिए हुए हैं, फोर दिए हैं। तो फोर के लिए आप यूज़ करोगे ब्यूट, क्या यूज़ करोगे, ब्यूट। अब ब्यूट के बाद, ये तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट, अब ब्यूट के साथ क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। तो अभी तक आपने तीन सीरीज पढ़ी हुई है, एल्केन पढ़ा हुआ। अब मेरे को बताओ कि जब एल्केन सीरीज के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, इस क्लास एल्केन सीरीज के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है, वेरी गुड। एल्कीन सीरीज के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, यस यस, एल्केन सीरीज के लिए क्या यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है, वेरी गुड क्लास। एल्केन के लिए आपने बताया एल्केन सीरीज के लिए एन सफिक्स यूज किया जाता है, एल्कीन के लिए आपने बताया इन सफिक्स यूज किया जाता है, और नाउ क्लास एल्काइन के लिए क्या यूज किया जाता है, आपने बताया, वेरी गुड क्लास, एल्काइन के लिए आपको यूज किया जाता है आइन यूज किया जाता है। नाउ अगर आपको याद आ रहा होगा एल्केन के बारे में, तो एल्केन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एल्केन में आपने क्या पढ़ा था क्लास, एल्केन में पढ़ा था एल्केन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन एल्केन में ए एन ई कब लगता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, इन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और आइन कब लगता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप मेरे को देख के बताओ, कार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देर इज सिंगल बॉन्ड, यस या नो, वेरी गुड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हैं तो अब आप मेरे को बताओ आइन एन और इन में से आप यहाँ क्या सफिक्स लगाओगे, वेरी गुड, क्या लगाओगे, एन लगाओगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो ब्यूट एन हो जाएगा। ओके क्लास, टू ब्रोमो ब्यूट एन। अब मैं आपको एक चीज यहीं पर समझा दूं लोकेंट के बारे में। लोकेंट मैंने बताया क्या होता है, द नंबर दैट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ साइड चेन इज कॉल्ड लोकेंट। अब आपको समझ में आ गया, साइड चेन यहां पर क्या है, बी आर, साइड चेन या सब्सिट्यूएंट क्या है क्लास, सब्सिट्यूएंट बी आर है, और बी आर किस वाले नंबर पे कार्बन पे दिया हुआ, टू पे दिया हुआ, यानी कि इस कार्बन में जो लोकेंट है कौन है, टू है। क्यों, क्योंकि टू वाले पे क्या लगे हुए हैं, बी आर, द नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ साइड चेन इज कॉल्ड लोकेंट, यानी कि यह पोजिशन ऑफ साइड चेन बताता है, इसलिए क्या हो गया, लोकेंट हो गया। अब एक एक वर्ड्स मैंने आपको आसानी से समझा दिया, पेरेंट चेन क्या होते हैं, साइड चेन क्या होते हैं, सब्सिट्यूएंट क्या होते हैं, या लोकेंट क्या होते हैं। अभी आपका बचा हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन रूल बचा हुआ। अब थोड़ा सा एक चीज और समझाना है, जब एक से ज्यादा आने शुरू होंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था,
ये आपने देख लिया। देखिए क्लास, ये आपका क्या है, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, क्लोरो ब्रोमो आइडो एंड सी एस थ्री, दैट मीन्स दैट इज मेथिल, ये चीज़ें दी हुई हैं। जब ये सारे के सारे एक साथ आना शुरू होंगे तब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि जब इस तरह के हाइड्रोकार्बन की काउंटिंग करते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, काउंटिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ते हैं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ते हैं। दैट मीन्स अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ना करो आप, इसके लिए थोड़ा सा अभी मैं सारे समझाऊंगा, इसको थोड़ा एक और बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जब आप इसकी काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपने किया। फिर अगर आप काउंटिंग ऊपर से करो, इधर से आपने अभी काउंटिंग किसे की है, लेफ्ट टू राइट की है। अब आप काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आपने काउंटिंग इधर से की है, ठीक है क्लास, काउंटिंग आपने इधर से की है। तो अब रूल बताओ मेरे को, मैंने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि इस तरह से जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं तो काउंटिंग ऑलवेज विल बी राइट फ्रॉम वेयर, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो, जब सब्स्टिट्यूएंट पास करने की बात करते हैं, पास में पड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 एंड 2 पे ही आपको क्या मिल गया है, क्लोरो मिल गया है। बट अगर आप इधर से चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 पे पड़ रहा है क्लास, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा। तो यानी कि जब काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग कौन वाली सही हो जाएगी, ये वाली काउंटिंग ज़्यादा सही होगी। और ये वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा सही क्यों मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सही ही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ओके क्लास, आर यू गेटिंग, यस, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, थैंक यू। तो आपने क्या करना है, काउंटिंग वहाँ से कर दिया जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ते हैं। अब इनका नाम लिखना क्लास, तो इनका नाम लिखने के लिए मैंने बताया था कि जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने शुरू हो जाएं, तो जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आने शुरू होंगे तो इनके नाम जो लिखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको समझाया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेंस कि इन क्लोरो ब्रोमो आइडो में इनके नाम, जैसे ब्रोमो का बी आर दिया है तो बी आर दैट मीन्स ब्रोमो, तो बी से शुरू हो रहा, सी एल क्लोरो तो यानी कि सी से शुरू हो रहा, आई दैट मीन्स आइडो, आइडो दैट मीन्स आई, आई से शुरू हो रहा। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, बी आर आता है, वेरी गुड। तो अब मेरे को बताओ, तो बी आर का लोकेंट क्या है, लोकेंट आपको मैंने समझाया, लोकेंट आपने क्या समझा, लोकेंट आपने समझा कि जो लोकेंट है बी आर का, जो लोकेंट हो क्या है, थ्री है। तो सबसे पहले लोकेंट लिखते हैं, थ्री पे क्या दिया हुआ, बी आर दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, थ्री ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो का काम खत्म हो गया क्लास, इसका काम खत्म। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट में 1 2 3 और बचे हुए हैं, तो अब उसके बाद किसका नाम आएगा, Cl का आएगा, Cl दैट मीन्स क्लोरो, तो क्लोरो का लोकेंट क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो दिया हुआ, ठीक है, तो क्लोरो का काम भी खत्म हो गया। अब दो बचे हुए हैं, CH3 और I बचा हुआ, तो I दैट मीन्स आइडो, I फॉर आइडो, और यहाँ क्या हो गया, CH3 यानी कि क्या होता है, मेथिल, ठीक है, तो यह I से शुरू होता है। अब I का जो लोकेंट है क्या है, 4 है, तो आपने क्या किया, 4 आइडो, ओके क्लास। अब उसके बाद CH3 दिया हुआ, CH3 का जो लोकेंट है क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 मेथिल, ये हो गया आपका। तो यानी कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे सबके आपने नाम लिख लिया, 4 सब्स्टिट्यूएंट थे, 4 सब्स्टिट्यूएंट थे आपके पास, 1 2 3 एंड 4, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट के आपने नाम लिख लिए, वेरी गुड क्लास, 4 सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपको देखना है कि पेरेंट चेन में, आपको मैंने बताया था क्लास व्हाट इज पेरेंट चेन, जो कार्बन की एक लंबी सी चेन मिलती है दैट इज पेरेंट चेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 हैं। नाउ क्लास, 8 के लिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है
एट के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज होता है? ऑक्ट यूज होता है। एट के लिए क्या यूज होता है? ऑक्ट, ऑक्ट यूज होता है। अब ऑक्ट के साथ यहां पर सफिक्स लगेगा, और सफिक्स क्या लगेगा आप कैसे पहचानोगे? सफिक्स आप पहचानोगे कि यहां पर कौन सा सफिक्स लगाया जाएगा। तो आपके लिए इसके लिए क्या करना है, आपको कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड के ऊपर फोकस करना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में पाए जाने वाले बॉन्डों में यहां पर क्या दिया, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ, एंड सिंगल बॉन्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट एल्केन सीरीज। तो सिंगल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्केन सीरीज को। तो एल्केन सीरीज के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ए एन ई एन होता है क्लास, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने यहाँ सफिक्स लगा दिया एल्केन, गुड। ठीक है, ये हो गया इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम हो गया क्लास। ठीक है, तो आपने इसे नोट करना होगा, तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। ओके क्लास, थैंक यू। अब थोड़ा सा टफ करते हैं, फटाफट करते हैं। ये जो आप लिख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ CH3, BR CH, CL CH3, CH2, CS2 and CS3 कर सकता हूँ। देखो क्लास, मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ, कहीं कहीं मैंने स्ट्रक्चर वे में दिखाया है। तो अब आप देखो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे भी लिख करके आता है। तो आप देखो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपने क्या करना है, इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखोगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिए हुए हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट, टू एंड थ्री सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, ब्रोमो क्लोरो एंड CH3 दिया हुआ। तो बार बार आपको गलत समझाने के लिए मैं आपको एक बार लेफ्ट टू राइट करता हूँ, फिर राइट टू लेफ्ट करता हूँ, ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो तुरंत दिमाग में लगाओ, क्या लगाओगे कि काउंटिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या ब्रांच चेन क्या पढ़ेंगे, पास में पढ़ेंगे। तो साइड चेन की बात करें तो साइड चेन यहाँ से 1, 2, 3 पढ़ रहा है और 4 पे पढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 आपने काउंटिंग कर दी। बार बार गलत करने की जरूरत नहीं है, सही करिए हमेशा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, अब सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले आपने देखा 7 कार्बन दिया हुआ, तो ये आपका जो 7 कार्बन मिला हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मिला हुआ, ये जो लंबे सा चेन मिला हुआ, दिस चेन इज नोन एज पेरेंट चेन। कौन सा चेन? पेरेंट चेन, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखने से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने पड़ेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम कैसे लिखे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आर, दैट मीन्स ब्रोमो आएगा, बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो और एम फॉर मेथिल आएगा। अब मेरे को बताओ आप लोकेंट बताओ, बी आर का जो लोकेंट है वो कौन है, 2 है, तो बी आर का जो लोकेंट है वो 2 है, तो आपने लिखा 2 ब्रोमो। आपको मैंने बताया ना क्लास व्हाट इज लोकेंट, लोकेंट्स क्या होते हैं, वे साइड चेन के नंबर्स को बताते हैं, यानी कि लोकेंट यहां पर बी आर का जो लोकेंट हो क्या है, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद ब्रोमो का काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, सीएल, यानी कि अल्फाबेट में सी आता है बी के बाद, तो अब क्या क्या हो जाएगा, तो सीएल का जो लोकेंट हो क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो सब्स्टिट्यूट दिया हुआ, सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ, वह क्या है आपका, CH3, और इसका लोकेंट क्या है, 4 दिया हुआ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब इसके लिए आप यूज़ करोगे मेथाइल यूज़ करोगे। ओके क्लास, तो आपके 1, 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट दिए थे, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट को आपने क्या कर लिया, अच्छे से लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो जब आप पेरेंट चेन का नाम लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, 7 दिए हैं। आपको पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है कि 7 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। आपने क्या बताया क्लास, हेप्ट बताया, तो आपने क्या लिखा, हेप्ट। अब मेरे को बताओ यहाँ पर सफिक्स यूज़ होगा, तो यहाँ पर कौन सा सफिक्स यूज़ करोगे, कैसे पहचानोगे आप सफिक्स के लिए क्या बताओगे क्लास, यस, वेरी गुड, ठीक है। सफिक्स के लिए आप क्या बताओगे, सफिक्स के लिए आप बताओगे कि कार्बन कार्बन के बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देयर इज सिंगल बॉन्ड, एंड जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के लिए तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज होगा वह क्या होगा क्लास, ANEN, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, हेप्टेन। तो इस छोटे से कंपाउंड का एक छोटा सा नाम, यानी कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। गॉट इट क्लास, आपको समझ में आ रहा होगा, यस, वेरी गुड, आप सब समझ पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ, आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको कराता हूँ, ठीक है। ओके क्लास, आर यू गेटिंग, यस, वेरी गुड। अब आगे की जो चीज़ें हैं मैं आपको नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ,
वो चीज़ क्या है, आप नोट में इसे नोट कर सकते हैं, क्या है, अगर अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन है तो क्या करोगे आप, ओके अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन है तो क्या करोगे आप, उसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जो आपका है, सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स क्लोरो ब्रोमो आइडो, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो क्लोरो आइडो C2H5 एंड आई हो जाएगा आपका और आपका CH3 एंड सो ऑन, अगर यह एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, मोर देन वन टाइम आ रहे हैं तो क्या करोगे, अगर यह टू टाइम्स आ रहे हैं, अगर आप टू टाइम्स आ रहे हैं इसके लिए क्या लगेगा, डाई, अगर यह थ्री टाइम्स आ रहे हैं, थ्री टाइम्स तो ये इसके लिए क्या लगाओगे, ट्राई, अगर ये फोर टाइम्स आ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, टेट्रा, क्या लगाओगे क्लास, टेट्रा, अगर ये फाइव टाइम्स आ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, पेंटा, ओके एंड सो ऑन, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ओके क्लास, आपको मैं समझाता हूँ अभी तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आपसे जब पूछूँ तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, ओके थैंक यू। जैसे मैंने बताया आपको, एक कंपाउंड लिया मैंने, ये देखो आपको रटा पड़ा है काउंटिंग के बारे में, कैसे करेंगे काउंटिंग, सबसे पहले काउंटिंग क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आया हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जब काउंटिंग करने जाते हैं, जब भी किसी पेरेंट चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाती है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, जैसे वन टू थ्री पे करोगे तो आपको थ्री पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ओके क्लास, लेकिन जब आप क्या करोगे वन एंड टू पे करोगे तो टू पे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सारे सब्स्टिट्यूएंट पहचान लिए, इतने सारे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, तो काउंटिंग हमें आप इधर से नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वन टू थ्री दिया हुआ, जब यहाँ पर थ्री दिया हुआ है तो आप काउंटिंग यहाँ थ्री मिलेगा, आप काउंटिंग कहाँ से कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, आपने काउंटिंग कर दिया, सिक्स पे आपने काउंटिंग किया है तो आपने सिक्स पे जब काउंटिंग किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका आईपीएससी नेम लिखना है, जब इसका आईपीएससी नेम लिखना है तो आप देखो कि ब्रोमो कहाँ कहाँ दिया हुआ, किस किस लोकेंट पे यूज दिया हुआ, किस किस लोकेंट के ऊपर दिया हुआ, नाउ क्लास आप लोकेंट अच्छे से जान गए हो कि जिस कार्बन के ऊपर, जिस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर साइड चेन पाए जाते हैं वही क्या कहलाता है, लोकेंट कहलाता है, ठीक है, तो आप देखो बीआर दिया हुआ, बीआर कहाँ दिया हुआ, किस लोकेंट पे, टू पे दिया हुआ, बीआर किस लोकेंट पे दिया, थ्री पे दिया हुआ, यानी कि दो बार बीआर आया है, एक बार टू पे आया है, एक बार थ्री पे आया है, तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे क्लास 2, 3, बीआर कितने टाइम्स आ गया क्लास, टू टाइम्स आ गया, यानी कि टू लोकेंट के ऊपर आया है, एक लोकेंट आपका टू है और एक लोकेंट आपका थ्री है, तो अब जब ये दो बार आ गया यानी कि मोर देन वन टाइम्स आया है तो टू टाइम्स के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, और डाई में क्या दिया है, ब्रोमो दिया हुआ, वेरी गुड, यानी कि इसका नाम अब क्या हो जाएगा, 2, 3 डाई ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो की बात करते हैं तो क्लोरो कहाँ कहाँ दिया हुआ, 3 और 4 पे दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3, 4 यह भी कितने टाइम्स हो गया, 1 और 2 टाइम्स, टू टाइम्स के लिए क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, उसके बाद क्या दिया, 4 लोकेंट पे क्या दिया हुआ, मेथ आयल दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ पेरेंट चेन की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन की बात करें पेरेंट चेन में तो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, और 6 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, हेक्स यूज़ करते हो, और हेक्स जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हेक्स और उसके बाद बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देयर इज सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए आप यूज़ करोगे हेक्सेन, तो अब आपने इस कंपाउंड का भी आसानी से नाम लिख लिया, ठीक है, हैव यू नो डाउट क्लास, आर यू गेटिंग इट,
ओके थैंक यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिटाना है। ओके ओके लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब फटाफट हम लोग करेंगे CH3 BR CL I BR BR CH3 H हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH2 इस तरह से दिया होगा। और आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर आइडो कर सकते हो। ठीक है नाउ क्लास, अब आप देखो जब इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है तो क्या करोगे आप। जब इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है तो आपने को पहले से पता है कि सबसे पहले आपको सब्सिट्यूएंट फाइंड आउट करने हैं। तो सब्सिट्यूएंट आप देखो यहाँ यहाँ दिया हुआ, ये सारे के सारे आपको क्या है सब्सिट्यूएंट है। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ कार्बन्स की काउंटिंग करनी है। जब नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग कैसे करोगे, काउंटिंग वहाँ से करोगे जहाँ से सब्सिट्यूएंट पास में पड़ेंगे। तो सब्सिट्यूएंट कहाँ से पास में पड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 हो गया। आर यू गेटिंग क्लास, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका नाम लिखना शुरू करोगे। तो अब देखो, तो सबसे पहले जब इसका नाम लिखोगे तो आपने क्या दिया, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है। तो क्या करोगे, बी का लोकेंड देखोगे, लोकेंड में क्या है आपका, ब्रोमो का जो लोकेंड है क्या है, 2 है। क्या हो जाएगा, 2 कॉमा फिर किस पे दिया हुआ, 3, फिर किस पे दिया, 4 दिया हुआ। यानी कि कितने टाइम्स आ गया, 1, 2, 3, यानी कि मोर देन 1 टाइम्स आ गया। तो जब 3 बार आया है तो 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। एंड 1 मतलब जो डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, दीज आर प्रीफिक्स। मैंने मेरी पहली वाली वीडियो में अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, सेकेंड वाली वीडियो में भी मैंने बताई हुई है। तो ये क्या हो गया, यह आपका क्या है क्लास, प्रीफिक्स है। ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 टाइम्स आया है, 1, 2, 3, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। तो ट्राई में क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। क्या हो गया क्लास, ट्राई ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करूँ कौन आता है, क्लोरो आता है। तो क्लोरो आपने देखा कहाँ दिया हुआ, 3 पे दिया हुआ। तो 3 पे आपने क्या लिखा, 3 क्लोरो लिखा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 2 पे आइडो दिया हुआ है और 4 पे आइडो दिया हुआ। तो 2, 4 दो बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, डाई आइडो लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 5 मेथिल दिया हुआ, मेथाइल। फिर उसका नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, 8 दिए हुए हैं। तो 8 के लिए क्या यूज़ करते हो, ऑक्ट। कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देर इज सिंगल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन। तो क्या हो गया, तो इस छोटे से कंपाउंड का छोटा सा नाम आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ओके क्लास, तो आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपने इसको क्या कर लिया, मिटा लिया। अभी तक आपने सब्सिट्यूएंट देखे एल्केन सीरीज़ में, अब मैं आपको थोड़ा एल्काइन सीरीज़ के बारे में बताता हूँ कि जब एल्काइन सीरीज़ में कोई सब्सिट्यूएंट आएगा तो आप क्या करोगे। जैसे सपोज दैट आपने लिया होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आपने ले लिया BR H और CH2 एंड CH3 ले लिया। ठीक है, या मैं यहीं पर कर देता हूँ, CH3 कर दिया। ठीक है, वहाँ पर एल्केन सीरीज था और यहाँ पर आप देखो तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, और डबल बॉन्ड बताता है किसके बारे में, एल्केन सीरीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, अगर एल्केन सीरीज़ में आप नाम लिखने जा रहे हो तो फिर क्या करोगे, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब काउंटिंग की जाएगी तो काउंटिंग एल्केन सीरीज़ में, अगर आपको याद आ रहा हो तो एल्केन सीरीज़ में काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाती है जहाँ से सब्सिट्यूएंट पास में पड़ते हैं, यानी कि जहाँ से सब्सिट्यूएंट होते हैं। अगर काउंटिंग की बात करें तो 1, 2, 3, 4 and 5, क्यों, क्योंकि सब्सिट्यूएंट यहाँ दूसरे नंबर पर पड़ रहा और इधर से नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1, 2, 3 and 4 पे जब काउंटिंग करोगे तो 4 पे पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ से काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4 and 5 से करो तो आपको 4 पे पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग कौन सी सही मानी जाएगी, ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब एल्केन सीरीज़ आता है तो एल्केन सीरीज़ में काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाती है जहाँ से सब्सिट्यूएंट पास में पड़ते हैं। प्लीज़ इसे दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, एल्केन सीरीज़ में काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाती है जहाँ से सब्सिट्यूएंट पास में पड़ते हैं। लेकिन आफ्टर एल्केन सीरीज़, जैसे कि मैं बात करूँ एल्कीन की बात करूँ और एल्काइन की बात करूँ,
या किसी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। आगे फंक्शनल ग्रुप भी आप पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपका, आगे आप अलग अलग तरह के सीरीज़ के अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी चीज़ें। तो मैं अगली वीडियोज़ में वो सब कंटिन्यू करने वाला हूँ। सीरीज़ आपकी लगातार आती जाएगी, आप वीडियो को फॉलो करते जाओ। हाइड्रोकार्बन में आईयूपीएसी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा क्लास, यह केमिस्ट्री का बेसिक्स है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें आसानी से आ जाएंगी, और आपको लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं होनी है। केमिस्ट्री से रिलेटेड लाइफ टाइम इन द सेंस की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कंपाउंड्स के नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होने हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, जब एल्केन सीरीज़ की बात करें, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एल्केन सीरीज़ की बात करें, एल्काइन सीरीज़ की बात करें, या किसी फंक्शनल ग्रुप की बात करें, काउंटिंग इस केस में वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से एल्कीन सीरीज़ के डबल बॉन्ड, एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड, या किसी फंक्शनल ग्रुप जहाँ से ये पास में पड़ेंगे, काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी। जैसे कंपाउंड मैंने लिखा हुआ, अगर आप देखो तो वन एंड टू पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा, जबकि यहाँ पर वन एंड टू पे क्या पड़ रहा है, सब साइड चेन पड़ रहा आपका, यानी कि सब्सिट्यूएंट पड़ रहा। ये तो आप समझ ही गए, इसको मिटा देता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ भी टू पे क्या पड़ रहा है, सब्सिट्यूएंट पड़ रहा, यहाँ टू पे क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा। तो इस केस में सब्सिट्यूएंट को इम्पोर्टेंस ना दे करके डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, या किसी फंक्शनल ग्रुप को क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी कि अब आपकी काउंटिंग कौन सी सही हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी, और ये आपकी सब्सिट्यूएंट वाली जो आपने एल्केन सीरीज़ में पढ़ी हुई है, एल्केन में जो सब्सिट्यूएंट लगा लगा कि मैं आपको बता रहा था, वहाँ से वहाँ तो सही रहती है बट यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यानी कि अब इसका जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्सिट्यूएंट का, और सब्सिट्यूएंट का जो लोकेंट है यानी कि नंबर है वो किस पे है, टू पे है, यानी कि टू क्या है, लोकेंट है, मैंने आपको समझाया हुआ। तो क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लास, टू ब्रोमो। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, फाइव दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, फाइव दिए हुए हैं, और फाइव के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, पेंट, ठीक है। अब पेंट वर्ड यूज़ होता है, अब इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे, ज़रा डिसाइड करिए। यस क्लास, सफिक्स क्या लगाएंगे, यस वेरी गुड, सफिक्स क्या लगाएंगे, यहाँ इन लगाएंगे, यस वेरी गुड, सफिक्स क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्यों इन लगाएंगे, यस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ, वेरी गुड क्लास, बताया इन्होंने कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया हुआ तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है, क्या होता है, इन होता है, यानी कि नाम क्या होगा कंपाउंड का, टू ब्रोमो पेंट इन, और क्या करना होगा, यस वेरी गुड। अब आपको क्या करना होगा, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आया है ये भी बताना होगा, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आया है, टू पे आया है, तो यानी कि क्या हो गया, टू ब्रोमो पेंट इन टू हो जाएगा। और कैसे नाम लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने और एक तरीका बताया था, क्या बताया था, ये टू ब्रोमो ऐसे ही रहेगा, टू ब्रोमो पेंट टू इन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी इस कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं, तो यानी कि टू ब्रोमो पेंटीन ये भी आपका हो जाएगा। ओके, आप इसे नोट डाउन करो, मैं इसे रिमूव करूं। ओके थैंक यू क्लास, अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं मैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बी आर सी एल सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी एस टू सी एस टू एंड सी एस थ्री दिया हुआ, यानी कि क्लास दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, क्या हैं, सब्सिट्यूएंट हैं, ढेर सारे सब्सिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, ये थ्री है आपका, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा, ठीक है। इस कंडीशन में काउंटिंग हमेशा वहाँ से सही मानी जाएगी, पेरेंट चेन की काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ें, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ें, या जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, पास में पड़े। फंक्शनल ग्रुप बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगले वीडियोज़ में आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पढ़ोगे क्लास, ठीक है। तो काउंटिंग वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से पास में पड़ेंगे। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, काउंटिंग इधर से बार बार गलत करने की जरूरत नहीं है, अब हमेशा आप सही किया करिए, क्योंकि वो समझाने के लिए मैं आपको दोनों तरफ से करके दिखाता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ठीक है, काउंटिंग कर दिया आपने, यस। अब आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है,
नाम कैसे लिखोगे जरा ध्यान से देखना है। नाम इसका लिखा जाएगा सबसे पहले बी फॉर ब्रोमो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, फोर ब्रोमो ओके। फिर उसके बाद क्लोरो आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, फोर पे ही ब्रोमो दिया हुआ है एंड फोर पे ही क्लोरो दिया है, तो फोर ब्रोमो फोर क्लोरो। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, फाइव पे क्या दिया हुआ, एथाइल। फिर उसके बाद फाइव पे ही मेथिल दिया हुआ है, ये सारा का सारा हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए, एट दिए हुए, तो आपने क्या लिखा, एट। और देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो अब आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, टू है, तो आपने क्या लगा दिया, टू। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो गया, ठीक है क्लास, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करो, ओके हो गया, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। एक नेक्स्ट कंपाउंड जैसे अभी हमने लिया हुआ है सी एस ट्रिपल बॉन्ड सी बी आर एच सी एस थ्री दिया हुआ। अब इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, तो मैंने आपको समझाया है पहले ही, काउंटिंग हमेशा वहां से सही मानी जाएगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास में पड़ेगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब फिर से मेरे को नाम बताइए, इसका नाम आप मैच्योर हो चुके हैं, बहुत देर से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें बैठ गई हैं। लोकेंट कौन सा है, बी आर का लोकेंट क्या है, फोर है, क्या हो जाएगा, फोर ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, पेंट है, फाइव है, तो फाइव के लिए क्या यूज़ होता है, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। अब मेरे को बताओ यहाँ पर सफिक्स क्या यूज़ करोगे, यस क्लास, सफिक्स क्या यूज़ होगा, यस वेरी गुड, सफिक्स क्या यूज़ होगा यहाँ पर, आयन यूज़ होगा। अब मेरे को बताओ जरा आयन क्यों यूज़ होगा, यस, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो उसके लिए आपको सफिक्स बताया गया है, और वो सफिक्स क्या होता है, आयन होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपका कंपाउंड का नाम हो गया फोर ब्रोमो पेंट आयन हो गया, ओके ओके क्लास। थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे आप लिखो, ओके थैंक यू, रिमूव करता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट और थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड, Br, Cl, Cl, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ मैं इसे, ये देखो क्लास, मैंने एक कंपाउंड लिया हुआ। अब इस कंपाउंड में आप देखो क्या क्या आया हुआ, जब इस कंपाउंड की बात करोगे, इस कंपाउंड में आपका क्या दिया हुआ, सब्सिट्यूएंट दिए हुए, क्या दिए हुए, सब्सिट्यूएंट दिए हुए, इस कंपाउंड में आपके सब्सिट्यूएंट दिए हुए, और सब्सिट्यूएंट के साथ क्या दिया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसकी काउंटिंग करोगे, और काउंटिंग हमेशा वहाँ से सही मानी जाएगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, यानी कि इन सारे केसेस में सब्स्टिट्यूएंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो यानी कि आपको आपकी काउंटिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन हो जाएगा। फटाफट मेरे साथ नाम लिखवाइए, यस आपने बताया ब्रोमो बताया, ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है ये, क्योंकि बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं जरा देखिएगा। ब्रोमो की बात करें तो ब्रोमो के लिए जो लोकेंट दिया हुआ है, लोकेंट फोर दिया हुआ, ओके क्लास, ब्रोमो के लिए जो लोकेंट दिया क्या दिया, फोर दिया हुआ। अब फोर के ब्रोमो की बात करें तो एक ब्रोमो यहाँ दिया हुआ, एक ब्रोमो यहाँ दिया हुआ, यानी कि फोर कॉमा फोर टू टाइम्स लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे यहाँ भी ब्रोमो है, यहाँ भी ब्रोमो है, यानी कि दो ब्रोमो हैं, तो यानी कि टू टाइम्स ब्रोमो आया हुआ है, फोर एंड फोर पे टू टाइम्स आया हुआ, तो अब टू टाइम्स आया तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करोगे। प्रीफिक्स मैंने बताया आपको पहले वाली वीडियो में, क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर Cl लिखा है, एक ही कार्बन के ऊपर दो Cl लगाया मैंने, तो आप क्या करोगे, फाइव फाइव कितनी बार आया, टू टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, ओके क्लास, वेरी गुड। फिर उसके बाद आप सिक्स पे आ जाओ, सिक्स कॉमा सिक्स, दो बार आया है डाई मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, नाइन दिए हुए, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नाइन, क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे दिए हुए, ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए, तो फॉर द ट्रिपल बॉन्ड यू विल बी यूज आइन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, आइन यूज़ किया आपने। नंबर ऑफ कार्बन कौन सा होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, टू होगा, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, टू, तो यानी कि अब आपका हो गया नन। इसी को अगर आप चाहो तो और कैसे लिख सकते हो, नन टू आइन कर सकते हो। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा क्लास, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको आसानी से समझा दिया। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक फॉलो किया होगा
तो आपको एक एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते जाओगे क्लास, तो आपको सारी की सारी चीज़ें मैं आसानी से समझाता चला जाऊँगा। इसके बाद जो आपका चीज़ें शुरू होनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपका फंक्शनल ग्रुप टॉपिक शुरू हो जाएगा क्लास। तो अगर आप वीडियो को आसानी से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक क्लास। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हर कोई इसका फ़ायदा आसानी से उठा सके। उसके आपने क्या करना है क्लास, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ते चला जाना है। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा।